Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. देवी मनसा का ये आशीर्वाद अपने हाथों में धारण कीजिए, फिर अपने श्वसुर जी की आस्था ही नहीं, आप अपने पति का भाग्य भी बदल सकेंगी। मैं प्रस्तुत भगवती हे शति कंठ कुटुंबिनी पूरी कुटुंबिनी पूरी कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते भगवती हे शति कंठ कुटुंबिनी पूरी कुटुंबिनी पूरी कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय श्रृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते स्वामी।
भी हो मुझे इस अवसर को नहीं खोना है। मुझे एक पहल नृत्य करना ही है। पुत्री बेहुला, अभी भी एक प्रहर समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें अभी नृत्य करना है और ये प्रमाणित करना है कि तुम अखंड सुहाग योग्य हो। उठो पुत्री, उठो, तुम में सामर्थ्य है, तुम उठ सकती हो। तुम्हें ये प्रमाणित करना ही होगा, तुम्हें ये प्रमाणित करना ही होगा। उठो पुत्री, देव है मां, तब भी उन्होंने मेरे पुत्र के प्राण नहीं लौटाए। मेरी भक्ति की शक्ति को नकार दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि अब आप भक्ति कहां कर रहे हैं स्वामी। देवी मनसा ने जो कहा था क्या वो उचित नहीं था? क्या आपने अपनी भक्ति को अपने अहंकार, अपने हट और अपनी कट्टरता से दूषित नहीं कर लिया है? भक्ति की दृष्टि से तो ईश्वर एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। देवी मनसा भी वही है, परंतु आप देख नहीं पा रहे हैं स्वामी। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते भगवति हेशति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते भगवति हेशति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे एक प्रहर समाप्त हुआ दीदी।
ये स्वप्न है क्या? बिहला, बिहला, उठो बिहला, बिहला उठो बिहला। हाँ बेहुला। पुत्री बेहुला, तुमने असंभव को संभव कर दिया है। उठो पुत्री, उठो। का कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उपकार नहीं पुत्री, ये तो मेरा आशीर्वाद है। तुमने अपनी ही इच्छा शक्ति से, अपनी निष्ठा से ही इस असंभव कार्य को संभव किया है, सफलता प्राप्त की है। मैं आशीष देती हूँ पुत्री, आज से तुम्हारे नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आज से तुम्हारे नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आज से तुम्हारे नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। आज से तुम्हारे नाम पे एक उत्सव मनाया जाएगा। अब तो समझिए स्वामी, एक बार श्रद्धा से देवी मनसा का नाम ले लिया होता आपने, तो आज हमारा लखेतर ही नहीं तो हमारे सारे पुत्र हमारे साथ होते। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। प्रभु का आशीर्वाद। महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली देवी, हमारा पुत्र कुशल है, जीवित है। पुत्र, तुम और तुम्हारे भ्राता, तुम्हारे पिता की महादेव के प्रति अतुलनीय भक्ति के फल थे। किंतु जहां भक्ति में कट्टरपन और घमंड का दोष आ जाए तो वो फल रहित हो जाता है। इसलिए चंद्रधर अब पुत्र सुख के योग्य नहीं, किंतु पुत्री बिहुला के पावन भक्ति के कारण उसके भाग्य में पति का सुख है। पुत्री, इसीलिए देवी मनसा का वरदान अर्थात तुम्हारे पति के प्राण तभी सुरक्षित रहेंगे जब तुम अपने ससुर चंद्रधर को अपना हट और अहंकार त्यागने के लिए प्रेरित कर सको। अहंकार के कारण दूसरों को अपने से तुच्छ मानने लगा है। वो देवी मनसा का अपमान करने का दुस्साहस किया है उसने, और एक बार नहीं अनेकों बार। अब जब तक वो स्वयं को नहीं बदलता, उसे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभु, इस बार पिताश्री माँ की महिमा को अवश्य स्वीकार करेंगे। देवी शोनका, मुझे आभास हो, हमारा पुत्र कुशल है, जीवित है। पुत्री बिहुला उसे लेकर आती ही होगी। मैंने कहा था ना, मेरे प्रभु मेरी भक्ति का फल मुझे अवश्य देंगे। चलो चलो, शीघ्र करो, हमें हमें उनका स्वागत करना है। चलो देवी, चलो शीघ्र चलो। माँ, यदि पिताश्री आपकी पूजा करने लगे तो क्या आपकी कृपा
उनके अन्य 6 पुत्रों पर होगी। हर हर महादेव। देखा क्या कहा था मैंने, मेरे प्रभु मेरी भक्ति को नहीं नकार सकते। वो मेरे पुत्र को लौटा रहे हैं, सुना तुमने? महादेव मेरे लखेंद्र को लौटा रहे हैं, वो जीवित है। महादेव, मेरे महादेव, मेरा पुत्र जीवित है, जीवित है वो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं स्वामी। चंद्रधर अभी भी मनसा की महिमा स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि आपने अपने वचन अनुसार ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ प्रभु, मेरी कृपा भी नहीं, उसके अनुसार तो ये उसकी भक्ति का चमत्कार है। जाइए देवी, अपने पुत्र लखेंद्र का शुभ तिलक से स्वागत करने के लिए आरती का थाल लाइए। जाइए। मैंने कहा था ना, मेरी भक्ति में ही चमत्कार की शक्ति है। मेरी भक्ति सफल हो गई, फल मिल गया मुझे मेरी भक्ति का। अब तो हो गया ना विश्वास, उचित कहता हूं ना मैं। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। मेरी भक्ति के कारण मेरा पुत्र मृत्यु के मुंह से लौट आया है। हर हर महादेव। तुम पिताजी को कैसे विश्वास दिलाओगे? हे पार्वती नंदन, ये तो हमारा अंतिम उपाय है। यदि ये भी सफल नहीं हुआ तो चिंता मत कीजिए माता, एक बार बिहुला को अपना प्रयास तो करने दीजिए। सर्वथा महान है मेरी शिव भक्ति। क्षमा करें पिताश्री, किंतु आप समझने में भूल कर रहे हैं, ये आपकी भक्ति के कारण नहीं, मां मनसा देवी की कृपा से संभव हुआ है। पुत्र, पुत्र जीवित है। पुत्री, स्वामी, स्वामी, हमारा पुत्र। हाँ पिताजी, जो सत्य है मैं उसका साक्षी हूँ। आज मैं आपके सामने हूँ, इसमें माता मनसा की ही कृपा है। मेरी मूर्छा में भी उनके द्वारा बिहुला की सहायता का अनुभव भी मुझे होता रहा पिताजी। ये कैसे हो सकता है? पिताश्री, जो सत्य है उसे मत नकारिए। स्वामी को उस अवस्था में भी माँ मनसा देवी की दया का आभास हो रहा था जब इनके प्राण देह में नहीं थे। पिताश्री, आपको भी तो कुछ न कुछ आभास निश्चित ही हुआ होगा। हाँ पिताजी, महान शिव भक्त होने के नाते आपको भी तो ये अनुभव हुआ होगा। नदी पर यात्रा करते हुए अनेकों कठिनाइयों का सामना किया मैंने, किंतु सदैव माँ मनसा देवी ने मेरी रक्षा की, मेरी सहायता की। पिताश्री, यदि भक्त अपनी भक्ति को भगवान से बड़ा मान ले तो वो भक्ति कहाँ रह जाती है, वो तो आसक्ति बन जाती है। दोष आपकी भक्ति में था, और सत्य तो ये है कि आपका हट
आपका अहंकार आपके पुत्र और मेरे पति के मृत्यु का कारण बना। माँ मनसा देवी ने तो इनके प्राण हमें लौटाए हैं। पिताश्री, पिताश्री, धृष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ, किंतु माँ मनसा देवी की महिमा का वर्णन करना अति आवश्यक है। पिताश्री, आज हमारे आंगन में जो खुशियाँ वापस लौट कर आई हैं, वो माँ मनसा देवी की कृपा से ही आई हैं। यदि आप माँ मनसा देवी को स्वीकार कर उनकी पूजा करेंगे, तो जैसे स्वामी आ गए हैं, वैसे ही आपके 6 पुत्र भी आ जाएंगे। क्या आप मनसा देवी की पूजा स्वीकार करेंगे? व्यक्ति का आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास तभी संभव है जब वो किसी के भी बारे में प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करता है।